हल्द्वानी में पिछले कई दिनों से हल्द्वानी के कुमल वाकंज स्थित रिलायंस मॉल में बिक रहे खाद्य पदार्थों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि यह कमुलवा गांजा स्थित रिलायंस का मॉल है, जहां पर जो खाद्य पदार्थ हैं वो बिक रहे हैं, जिन पर लोगों की आपत्ति है। लोगों ने आरोप भी लगाया है कि मॉल में ऑफर के नाम पर खराब गुणवत्ता का सामान बिक रहा है। वहीं बीते दिवस एक ग्राहक ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के पास इस बात की आपत्ति भी दर्ज कराई थी कि उसके द्वारा मॉल से खरीदे गए खजूर के पैकेट में कीड़े निकले हैं, जिसे लेकर खाद्य विभाग की टीम ने मॉल पहुंचकर बेसन और खजूर के सैंपल भी लिए थे। आपको बता दें कि जिला अभियुक्त अधिकारी संजय कुमार सिंह का कहना है कि लोगों की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और सैंपल की जाँच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो अभी शिकायत मिली थी कि किसी ने खजूर लिए थे उसमें कुछ कीड़ों की शिकायत की थी, तो हम यहाँ आए थे। तो जिससे शिकायत थी वो, क्योंकि पैकेट बंद है तो उसका नमूना लेकर भेज रहे हैं। नमूने में सैंपल रिपोर्ट जैसी भी आएगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक हमने एक बेसन का नमूना और लिया है, तो आज हम दो नमूने ले रहे हैं यहाँ से। तो जैसी भी रिपोर्ट होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक शिकायत की बात है, हमारे पास तो जिस समय भी कोई शिकायत आती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। पहले तो कल खाने खाया तो उसको पता नहीं खाया, सारे बच्चों को मिला दिया। आज जब खाने के दोबारा जब इसके फाड़ा गया तो इसके बड़े बड़े कीड़े निकले, जिससे बच्चों को हो सकता है कि फूड पॉइजनिंग बहुत अच्छा हुआ चाहिए। अभी ऐसे कुछ मामला नहीं है, छोटे छोटे भी नहीं, बहुत बड़े बड़े कीड़े।